हरियाणा प्रदेश में 25 मई को लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अनुराग डांडा जी, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से चुनाव प्रचार इनका चल रहा है। क्या कहेंगे सर, इस वक्त क्या मानते हैं आपका जो चुनाव प्रचार? बहुत पॉजिटिव चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों में ज़बरदस्त रुझान है। मैं तो ये कहूँगा कि ऊपर वाले ने शायद ये तय ही कर दिया है कि कुरुक्षेत्र में लोगों का अपने आप मन बनता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताना है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध में पांडव जीते थे और पांडव 5 थे। आप देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि हमें भी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को भी मशीन पे 5 ही नंबर मिला है। इसका मतलब ऊपर वाला कुछ तो इशारा कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला भी हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है और लोगों में ज़बरदस्त रुझान है ही। आप देखिए आज जेपी नड्डा जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कैथल में आज आए थे, सारी कुर्सियाँ खाली थी। ये मैं आपको वीडियो अगर दिखाऊं तो ये देखिए ये सारी कुर्सियां खाली हैं पूरे तरीके से, नड्डा की रैली की बिल्कुल, और मंच पे मौजूद है नड्डा जी, उस वक्त की पूरी वीडियो है। ये स्पष्ट बताता है कि भारतीय जनता पार्टी से अब लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता भी यहाँ पे आते हैं तो लोगों को वो स्वीकार नहीं है। इससे ये पता चलता है कि मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं कुरुक्षेत्र। मोदी जी 14 में आए, 19 में आए, इस बार नहीं आए बस। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, हमने तो मैं तो कई दिन से इनवाइट कर रहा हूँ। मैंने कहा मोदी जी कुरुक्षेत्र आइए, और क्यों इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई आदमी कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोल सकता है। 2014 में आए तो जिस व्यक्ति को कोयला चोर कह के गए थे, अब वो किस मुंह से उसको कोहिनूर बोलेंगे, हमें भी तो देखना है ना। ये नया एक्सपीरियंस होगा कि कोई आदमी किस स्तर तक झूठ बोल सकता है। हालांकि अब मोदी जी के ऊपर गाने बनने लगे हैं, वीडियोस बनने लगे हैं। मैंने कल परसों देखा था कि कैसे तेरे पे क्यों कर करूं भरोसा, तू मोदी ते भी झूठी है, लव सॉन्ग बन रहे हैं अब तो। मिसाल दी जाने लगी है कि मोदी जी ये बना कौन रहा है मुझे नहीं पता, मैंने तो YouTube पे देखा था। तो मुझे लगता है कि ये मिसाल देने लगे हैं लोग कि मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं। हम भी ये देखना चाहते हैं, कहावत बन गई, हम भी ये देखना चाहते हैं कि यहाँ कुरुक्षेत्र में वो किस मुंह से इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। इसलिए वो आ नहीं रहे हमारे तो इनवाइट बार बार करने के बाद भी कि आइए ना कुरुक्षेत्र में, लोग भी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। तो अम्बाला से ही खाना पूर्ति करके चले गए कि हो गया, यहाँ पे मोदी के नाम पे बीजेपी वोट मांग रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जिसके नाम पे वोट मांग रहे हो, जो वही नहीं मांगने आ रहा है वोट, तो फिर हम क्यों दें वोट। तो इसलिए स्पष्ट है कि बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन यहाँ जीतने जा रहा है। आज जो केजरीवाल जी ने किया कि सभी पार्टी के बड़े लोगों को लेकर के गिरफ्तारी देने के लिए गए, क्या मानते, क्या संदेश जाएगा? देखिए निश्चित तौर पे लोगों के बीच में ये मैसेज है कि बीजेपी तानाशाही चलाना चाहती है। अब ये क्या मतलब हुआ कि आपने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, फिर मनीष सिसोदिया को, फिर संजय सिंह को, फिर अरविंद केजरीवाल को, हमारे MLAs को, कभी किसी को कभी किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, अब आपने विभव कुमार को साजिश करके गिरफ्तार कर लिया। कुछ भी साजिश करके, कुछ भी षड्यंत्र रच के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है। तो अरविंद जी ने तो आज खुली चुनौती दी थी, भाई तुम क्यों दुखी हो रहे हो, अलग अलग लोगों के घर पे जाते हो, हम सब इकट्ठे होके आ जाते हैं आपके पास, सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो। हिम्मत नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की कि किसी को हाथ लगा सके। बीजेपी दफ्तर पे इंतजार करके सब लोग वापस लौट आए, लेकिन बीजेपी गिरफ्तार नहीं किया बीजेपी ने। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सबूत तो है नहीं। कोई नई साजिश रचेंगे, कुछ षड्यंत्र रचेंगे, अफवाह फैलाएंगे, फिर उसके बाद किसी को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। तो ये नैरेटिव सेट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पूरा देश समझ चुका है आम आदमी पार्टी से डरती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गरीबों को ये सुविधाएं देना नहीं चाहती, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी से डर। तो सिर्फ कुरुक्षेत्र की सीट के लिए आप बोल रहे हैं कि बाकी जो 9 सीटें हरियाणा की वहाँ क्या नहीं, हम सबके लिए प्रचार वहाँ क्या चल रहा है? आम आदमी पूरी दमखम से वहाँ भी प्रचार चल रहा है, जैसे क्योंकि हम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं इसलिए हम उस पर बात कर रहे थे। इंडिया गठबंधन 10-0 से हरियाणा की ये लड़ाई जीतने वाला है। 10-0 से इनका बोरिया बिस्तरा समेट के भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी का। जितनी ताकत से कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत से हमारा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस की मदद करना चाहता है बाकी 9 सीटों के ऊपर, और कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएंगे तो 10-0 होने जा रहा है, इस बार क्लीन स्वीप होने जा रहा है। क्या मानते हैं कि भाजपा का ग्राफ गिर रहा है? बुरी तरह से गिर रहा है। लोगों की इन्होंने बद्दुआएं कमाई हैं पिछले 10 सालों में, लोगों की नाराजगी कमाई है इन्होंने पिछले 10 सालों में। अब लोग वोट के जरिए, और जैसे हमारे यहाँ प्रचलन है लोकतंत्र में कि हम वोट के जरिए अपनी निराशा जाहिर करते हैं, हम नाराजगी जाहिर करते हैं, ये वो अधिकार भी छीनना चाहते हैं हमसे।
इस बार सूरत में कोई लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा, इंदौर में कोई लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा, वहां के 20-20 लाख मतदाता वोट ही नहीं डाल पाएंगे इस बार। ये ट्रेलर है इनका, अगर ये कामयाब हो जाते इनके साजिश, तो अगली बार 200-300 एमपी ऐसे ही बनते, कोई पर्चा ही नहीं भरता उनके खिलाफ और कहते देखो देखो हम तो चुन के आए। लोग इस साजिश को समझ गए, ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये समझ गए, इसलिए इनको इसी बार हटा देंगे सत्ता से। इनकी वो गत होने वाली है जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो आपने एक ऑब्जेक्शन उठाई थी जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए वोट डाल रहे हैं, उसमें किस तरह की सील नहीं थी, क्या था पूरा का पूरा मामला? देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है और लोगों का फेथ अगर इलेक्टोरल प्रोसेस पे नहीं हो तो उसका बड़ा नुकसान होता है लोकतंत्र को, इसलिए जहां भी हमें कमी नजर आती है तो हम इमिडिएटली उसको उठाते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि चुनाव आयोग ने तुरंत उसका संज्ञान लेके उन चीज़ों को दुरुस्त किया और अब वो प्रोसेस सही तरीके से सील वील लगा के सही तरीके से उसको आगे फॉलो किया गया। हम आगे भी यही चाहते हैं कि विजिलेंट रहें और अच्छे तरीके से हम ये पूरा चुनाव प्रक्रिया हो ताकि निष्पक्षता पे कोई सवाल ना उठे। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, कोई भूल रही, लापरवाही या किसी तरह की और कोई साजिश? नहीं, हमें नहीं पता, ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। हमने तुरंत चुनाव आयोग के सीईओ साहब के संज्ञान में ये पूरा मामला लाया और इमिडिएटली उस पर चुनाव आयोग ने अपग्रेड किया अपनी चीज़ों को, और बाद में हमें गाँव से अलग अलग जगह से रिपोर्ट भी मिली कि अब सही तरीके से एजेंट्स को इन्फॉर्म करके, जैसे वो पेटियाँ खुली भी तो सारे एजेंट्स को इन्फॉर्म करके बुलाया गया फिर कि आप आइए आपकी मौजूदगी में ये पेटियां खोली जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी या ये कहें इंडिया गठबंधन एक तरह से कुरुक्षेत्र की सीट को लेकर ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की जो 10 की 10 सीटें हैं उनको लेकर आश्वस्त है और 10-0 का एक तरह से नतीजा ये मान रहे हैं। रणदीप रोड, पंजाब के सी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।